एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, बहुत सारे लोग मेरे से जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छे दोस्त बन रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो और मेरी रेसिपी को लाइक करते हो, उसके लिए मेरे आपको मैं दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, ऐसे ही आप लोग मेरे साथ बने रहना, मेरे को अपना प्यार देते रहना। तो गाइस, आज आपके साथ मैं एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ, लौकी चना दाल तड़का। तो गाइस, ये रेसिपी भी आप ज़रूर देखना और अच्छी लगेगी तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और जो लोग बनाते होंगे उन लोगों को पता है ये रेसिपी बहुत अच्छी है, जो लोग नहीं बनाते हैं तो मेरे वीडियो को देख के ज़रूर बनाएं, जैसे मैंने बनाया है वैसे ही ट्राई करें और ट्राई करके ज़रूर कमेंट करना गाइस। तो गाइस, मैं किचन में आ चुकी हूँ। मैंने ये ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है और इसमें ऐड करूँगी जीरा, राई और हींग। मेरा मोस्टली तड़के के लिए यही चीज़ रहता है, आपने देखा होगा हमेशा। तो इसको तड़कने के बाद इसमें मैं लहसुन ऐड कर दूँगी और उसके बाद ऐड कर दूँगी प्याज। तो प्याज ऐड करने के बाद उसको अच्छे से 5 मिनट तक उसको फ्राई करूँगी। फिर उसके बाद जब ये गोल्डन हो जाएगा, थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। हरी मिर्ची भी इस पर ऐड कर दूँगी टमाटर के साथ ही। और टमाटर को ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी ताकि टमाटर हमारा जल्दी से गल जाए, और उसमें थोड़ा ढक्कन लगा दूँगी। तो 5 मिनट के अंदर ही टमाटर अच्छे से गल जाता है। तो गाइस, ये हमारा टमाटर अच्छे से पक चुका है। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी जो चना दाल मैं बना रही हूँ, तो उसको मैं ऐड कर दूँगी। चना दाल को मुझे 5 मिनट तक अच्छे से इसमें फ्राई करना है टमाटर और प्याज के साथ। तो इसमें मैं चना दाल ऐड करके इसको अच्छे से 5 मिनट के लिए इसको फ्राई करूँगी अच्छे से। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जो लोग ऐसे बनाते होंगे उनको मालूम होगा गाइस। तो आप ऐसे बना के ज़रूर ट्राई करना। तो गाइस, ये मेरा हो चुका है अच्छे से फ्राई मेरा दाल। तो इसमें ऐड कर दूँगी मसाला। मसाला मैंने लिया है 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो ये सब ऐड करने के बाद मैं इसमें जो हमारी लौकी है, लौकी थोड़ा सा ही लेनी है गाइस, लौकी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है लेकिन कम लेना है। तो लौकी भी इसमें ऐड कर दूँगी और उसके बाद हमको जितना ज़रूरत है उतना पानी डाल दूँगी। इसको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही रखते हैं दाल को, तो इसको थोड़ा गाढ़ा रखूँगी इस दाल को, तो पानी मैंने इसलिए कम ऐड किया है। तो इसको ढक्कन लगा दूँगी और 2 सीटी आने के बाद थोड़ा स्लो में रख के फिर इसको पकने दूँगी 10 मिनट तक। 2 सीटी आने देना है, उसके बाद स्लो में रखना है। तो इसको ढक्कन लगा के फिर हम लोग चेक करेंगे कि हमारी दाल कैसी बनी है। तो गाइस, मेरी दाल बन चुकी है। अब इसमें मैं लगाऊंगी तड़का ऊपर से। तो मैंने ये रखा है ऑयल थोड़ा सा, और इसमें खाली मैं थोड़ा सा वो डालूंगी लाल मिर्ची और लहसुन और थोड़ा सा जीरा ऐड करूंगी ऊपर से डालने के लिए। तो मैंने जीरा ऐड किया, जीरा जैसे ही मेरा तड़कने लगेगा मैं इसमें लहसुन ऐड करूँगी और लाल मिर्ची ऐड करूँगी और उसको फिर दाल के ऊपर से तड़का लगाऊँगी। तो गाइस, ये देखिए हमारी दाल एकदम बनके रेडी हो चुकी है। मैंने इसमें तड़का लगा दिया ऊपर से। तड़का लगाने के बाद ढक्कन बंद करूँगी ताकि इसकी खुशबू जाए ना। और ये देखिए बनके एकदम रेडी हो चुकी है। हम इसको हरे धनिये से गार्निश कर लेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी ये दाल की रेसिपी कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको, तब तक के लिए बाय बाय।